प्यार सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक एहसास की तरह होता है, वही एहसास जो आरती की रगों में पति अरविंद के लिए दौड़ रहा था। अरविंद जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात था, लेकिन शायद इस बात का अंदाजा आरती को नहीं था कि ये खुशियां खत्म होने वाली हैं। उम्मीद तो किसी को नहीं थी, लेकिन जब अचानक आरती की लाश फंदे से झूलती मिली तो हर कोई हैरान रह गया। सेना में तैनात जवान अरविंद की पत्नी पति के घर आने का इंतजार कर रही थी, मायके में थी। इसी दौरान जानकारी मिलती है कि अरविंद की मौत हो गई। अरविंद का शव उसके घर पहुंचा। इधर आरती पति को अंतिम बार देखने के लिए ससुराल पहुंची, लेकिन उसे अरविंद की लाश के पास नहीं पहुंचने दिया गया। आरती मिन्नतें करती रही, चीखती चिल्लाती रही, हाथ पैर जोड़े, लेकिन ससुराल वालों का दिल नहीं पसीजा। आरती ने कहा अगर उसे नहीं मिलने दिया जाएगा तो वो अपने अब्बू से मर कर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले अरविंद जम्मू के राजौरी में तैनात थे। 8 अगस्त को जम्मू के राजौरी में अरविंद की मौत हो गई थी। मौत की वजह क्या थी इसका पता नहीं चला था। इस बात की जानकारी जब घर वालों को लगी तो चीख पुकार मच गई। इधर आरती बेसुध थी, घर वाले संभालने की कोशिश कर रहे थे। अरविंद का शव सेना द्वारा घर पहुंचाया गया। इसके बाद आरती अरविंद से मिलने ससुराल पहुंची थी, लेकिन आरती को घर के बाहर ही रोक दिया गया। जो पति देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जो अरविंद कभी दूर नहीं होने का वादा किया था, आज उसी पति से आरती को मिलने नहीं दिया जा रहा था। अरविंद का अंतिम संस्कार 10 अगस्त को किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार में आरती को शामिल नहीं होने दिया गया। इस दौरान सबके सामने आरती ने हाथ जोड़े, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आरती ने चीख चीख कर कहा था कि अगर उसे नहीं मिलने दिया जाएगा तो मैं अपने अब्बू से मर कर मिलूंगी। आरती अरविंद को प्यार से अब्बू बुलाती थी, वही अब्बू जो अब हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर आरती को चला गया था। अरविंद के अंतिम संस्कार की आग शांत भी नहीं हुई थी। इधर उसी रात करीब 3 बजे आरती ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आरती को अंतिम बार अगर अरविंद से मिलने दिया जाता तो शायद इस वारदात को आरती अंजाम नहीं देती। पहले पति की मौत, फिर सबके सामने अपमान, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। आरती को जीते जी अरविंद से नहीं मिलने दिया गया, लेकिन शायद मौत के बाद आरती अरविंद से मिलकर खुश होगी। वारदात के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है और मामले में तफ्तीश की बात कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर आरती की मौत का जिम्मेदार कौन है? ससुराल वाले जिन्होंने पति से मिलने नहीं दिया, या फिर कोई और? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एटा से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।